सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। ए टू जेड मेरी ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। के लिए अर्थिंग पत्ती लगाने का तरीका बताएंगे। अर्थिंग पत्ती में होल, एक बार होल का सैंपल बना लो, उसके बाद आपको जैसे मर्जी पत्ती लगा लो, वही होल काम करेंगे, वही फार्मूला काम करेगा, उसमें नट बोल्ट कभी नहीं। अभी हमने लिया है 50 छह की पत्ती ली है, तो 50 छह की पत्तियों कैसे लगाएं, मान ले कोई भी पत्ती हो उसका सेंटर पर निशान लगा लो एक, उसके बाद उस सेंटर का सेंटर ये हो गया 12.5 mm, ये हो गया यहाँ पर 12.5 mm, इसका 12.5 mm का ये 12.5 mm का ये निशान लगाना है। तो इसमें फिर ये दोनों तरफ लगाना है। ये पत्ती आप जोन सी मर्जी लो, अगर मान लो 75-10 की ले रहे हो, 75-12 की ले रहे हो, तो उसमें 75 mm का हाफ और फिर उसके हाफ पर दोनों तरफ निशान लगाना है। तो उस ये फार्मूला जैसे हम बना रहे हैं, आप ये देखोगे, पूरी वीडियो देखना, देखो कैसा एक बार होल मारने के बाद वो आपका वही होल काम करेगा, चाहे आप एल में लगाओ, चाहे आप स्टेट में लगाओ, चाहे आप कोई सी भी तरीके से लगाओ, तो वही होल काम करेंगे। दो होल मारने का ये तरीका है। तो ये हमने ये ऐसे निशान लगा दिया है। 50 mm की पत्ती है तो 50 का आधा 25 पर लगाना है और फिर 25 का आधा 12.5 और दोनों तरफ 12.5 पर निशान लगाना है। ये हमने ये निशान 12.5 पर लगा के हमने ये निशान लगा। अब इसका हाफ ले लो, ऐसे भी हाफ ले लो, फिर उसका 12.5 और दूसरी तरफ का भी ये 12.5 यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम इधर लगा लेते हैं। तो ये 50 mm की पत्ती है, तो 50 mm का जो हमने ये 25 mm पे निशान लगाएंगे, पहले वाला निशान ये इसका सेंटर हो गया, उसके बाद फिर जो है इस 25 का आधा 12.5 mm और ऐसी उधर 12.5 mm। अब इसको भी हम लाइन खींच देंगे, इसका जो है निशान मार्क लगा देंगे हम, ये यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। अब जिस ये तरीका जो है, ये आपको एक बार सैंपल बनाना है, सैंपल बनाने के बाद आपको फिर दोबारा से सैंपल मतलब कि होल आउट होने का कोई डर नहीं रहेगा, आप जैसे मर्जी पत्ती लगाएं। अब ये निशान लग गया है, तो अब क्या करना है, अब इस पर हमें दो तरफ कोई भी कोने पे दो पे होल मार देंगे, जैसे ये होल मार दिया हमने और ये होल मार दिया, यही होल अब आपको जो है हमेशा के लिए काम करेंगे, लास्ट तक काम करेंगे, आपका होल कभी आउट नहीं होगा। निशान लगाने के बाद सेंटर पंच जरूर लगाएं, सेंटर पंच लगाने से ही होल। अब हमने ये हम इसको ये होल मार रहे हैं, अब ये फिर मशीन से ये होल लगा दिया है हमने, ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर निशान मारकर जो हमने 12.5 लिया था उस पर हमने ये मारा है। अब इसको हम देखेंगे, हमने जो है पहली पत्ती का होल मार कर रखा है ये इसी सैंपल से, ठीक है। और ये अब देखो हम नट डाल लेंगे। अब इसमें ये पत्ती जैसे मर्जी लगाओ, आप ऐसे लगाओगे ठीक है, एल में तो ये होल आ गया है, आप ये ऐसे लगाओगे तो ये पलट के लगाओ इसको, ये ऐसे होल आ गया है, मैच कर रहा है काफ़ी बढ़िया, ठीक है। अब ये ऐसे लगाओगे तो ये भी लग गया है, और अब आप ऐसे लगाओगे तो ये ऐसे भी ये होल पूरा मैच करके काम करेगा। तो अब आपकी समझ में आ गया। अब ये आप बस एक सैंपल बनाना है, और सैंपल बनाने के बाद आपको ये लास्ट तक काम करेगा, होल कभी आउट नहीं होंगे, होल हमेशा मैच करेंगे। अर्थिंग पत्ती कोई सी भी हो, 75-12 की है तो उसका हाफ का हाफ हाफ लेना है दोनों तरफ से, और 25 की है तो 25 में तो खैर एक ही नट बोल्ट लगता है, वो आमने सामने लग जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।